गुड़ विधानसभा के टीकर में सीएम के कार्यक्रम को लेकर भूस्वामियों ने जताया विरोध। फर्जी दस्तखत कर जबरन भूमि पर कार्यक्रम कराने का भी लगाया आरोप। गुड़ विधानसभा के ग्राम टीकर में मंगलवार को सीएम की चुनावी सभा आयोजित की गई। जिस जगह पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया उनके भूस्वामियों ने इसको लेकर लगातार इसका विरोध किया। उनका आरोप है कि षड्यंत्र पूर्वक फर्जी दस्तखत कर अनुमति की मंजूरी दिखाई जा रही है, जबकि उन लोगों ने कोई दस्तखत ही नहीं किया। कार्यक्रम स्थल में ही शमशान भूमि है जहां पर खुदाई कर दी गई, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर धार्मिक स्थल भी है जहां लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, देवी देवताओं के चबूतरे हैं। पूरी जमीन की जेसीबी मशीन से सफाई कर दी जिसमें लगा सारा चारा नष्ट हो गया। उनका आरोप है कि कुछ लोगों को डरा धमका कर तो कुछ लोगों के फर्जी दस्तखत करके जमीन की सहमति ले ली गई जिस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीती रात भी किसानों ने इसका विरोध किया लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और कार्यक्रम को उसी स्थान पर आयोजित किया गया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है उन किसानों का। जब हमको पता चली तो यहाँ से गए, जो तो बोले वो गुड़ में इसकी शिकायत होती है। फिर गुड़ गए, गुड़ में वो तहसीलदार साहब 2 बजे तक आए नहीं। फिर 2 बजे कोई तहसीलदार थे छोटे वाले, वो आए, वो बोले नहीं वो SDM साहब देखे कि उन्होंने ऑर्डर किया है रीवा जाओ। तो हम लोग फिर रीवा आए तो 4 बजे वहाँ से चले तो 5-6 बजे रीवा पहुँचे। वहाँ फिर ऑर्डर हमारा नहीं ले रहे थे वो जो है तो निवेदन। फिर बड़े मुश्किल से उन्होंने वो जो है निवेदन जो है तो नहीं लिया। और फिर सोनी साहब जो तहसीलदार अपने यहाँ के हैं उनसे जो है उसकी पावती दिलवाई, फिर वो आवेदन लिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो है तो हमारे बिना अनुमति के ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा किया गया जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने हमारी फर्जी दस्तखत की है, जो नुकसान हुआ है और जो नुकसानी हमारी दिलवाई जाए। हमें चाहते हैं हमारी सरहदी बनाई जाए, सरहदी सीमा जो है तो संस्थापित की जाए क्योंकि हमारी सरहदी नष्ट हो चुकी है। जी सर, मंदिर में 2 पुलिस वाले गए तो बोले कि ये देख रहे हो ना कि हम यहाँ आए हैं, तो हम देख तो रहे हैं नज़र से कि हाँ आए हैं आप। बोले कि इसमें दस्तखत करो कि हम आए हैं यहाँ, और जब दस्तखत हम कर दिए तो वो बोले कि हम पूछे कि ये दस्तखत किसके लिए करवा रहे हो, बोले कि तुमको सजा जुर्माना कुछ नहीं हो रहा, तुम दस्तखत कर दो। अब फालतू हमारे कोरा कागज़ में हमसे दस्तखत करवा लिए तो हमको शंका पैदा हो गया कि भाई दस्तखत तुम कैसे करवा लिए, अनपढ़ आदमी गरीब आदमी। और वो मंदिर का वो अलग से कागज़ में फिर एक वो बनाए, फूल लगा है कनेल का, मंदिर बना है, धर्मशाला बना है, ऐसा करके हमसे दस्तखत करवा लिए। हमको शंका हो गया कि हम उनसे काहे में दस्तखत करवा लिए, पूरा कागज़ भी हम कर तो दिए दस्तखत, हम पढ़े नहीं हैं ज़्यादा। पता चला किस चीज़ में करवाया है दस्तखत, काहे के लिए? यही तो हमको दिक्कत हो गई कि कोरा कागज़ में दस्तखत करवा लिए, किस में क्या लिख देंगे उसमें हमको। यहाँ पे तहसीलदार है उनसे आप बात किए कि दस्तखत नहीं सर? फिर ये पांडे जी हैं उनसे हम बताए कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो बोले कि नागा कर दिए तुम दस्तखत करके। और एक राकेश बहरोलिया भी हैं उनसे भी ऐसे ही करवा लिए हैं, ऐसे मनमाने बोल रहे थे। अब हम लोग जो आते थे यहाँ तो पुलिस वाले हम लोगों को धमकी भी देते थे। क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे थे कि हम तुमको बंद कर देंगे। दिक्कत विरोध की किस बात का है आप लोगों? विरोध हमारा बस इसी चारा घास का है बस। क्या विरोध है? विरोध ये है कि हम उसको बेचे हैं 10,000 रुपये में, वो हमसे लिया, अब वो हम लोगों के पास पहुँचा, कैसे हमारा चारा घास सब बर्बाद कर दिए, किसकी अनुमति से दिए, हमारा पैसा वापस कीजिए, वो हमसे ऐसे बोल रहा था। तो क्यों बर्बाद कर दिए, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों बर्बाद कर? यहाँ आ रहे हैं मंत्री जी, उतर रहे हैं जी। तो दिक्कत यह है कि हम आप जाएंगे चारा गाह सब नष्ट कर दिन, और दूसरी दिक्कत यह है कि मंत्री जी का हम लोग यहाँ नहीं आवाजे चाहिए, अपन जमीन तमाम खौर भौर कर दिन, शमशान घाट से बुखार डालें। अब हम पीतरन का ले जा कर रहा हूँ तब मन ही जाने न मिली कांटे चौरी कांट दिवाली है, सब यही समस्याएँ साहब, साल में गया जी ले जा कर रहा। क्यों नष्ट कर दिया क्या यहाँ मंत्री जी आवे वाले सब JCB लगा के साहब खोद खन बराबर कर, और यहाँ हमारी सब ये नुकसान कर दिए और हम लोगों से पूछे भी नहीं है ये बात। ये अब पता नहीं कौन कर दिया नुकसान की यहाँ, और जबकि JCB लगवा पूरा सब खुदवा उदवा दिया है, शमशान घाट है, अब बताइए जिसको गया जी ले जाना हो तो जाने नहीं पाए, कहाँट के कर बाप लाभ है, कहाँट के कर महतारी लाभ। क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद गौतम। यहाँ अब बताए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बताइए आज तक नहीं आए मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बताइए हम लोग किसान हैं, किसानों को कुछ हुए नहीं हो रहा है, पूरा नष्ट हो गई मेरी ये सब जमीन।
हमारा समस्या यह है कि हमारे बिना ओखर जौन है, बिना बताए जाने बूझे हमारे जौन है तो हमारे जमीन में तमान जौन है तो वह यहाँ सभा करे के परमिशन लेंगा, जबकि हम नहीं चाहे कि कौन दल के यहाँ हमारे उमा जौन है तो सभा हो। हम किसानन का लड़ाई दिन सीमा हमा मिलाए दिन पूरा एक माँ, अब हमारा सीमा नहीं पता चला, अब यहाँ जौन है तो हमारा उनखल सब लड़ाई झगड़ा रोज ये पैदा हो या जौन है तो मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जौन है तो पूरे उमा जौन है तो दंगा प्रसाद करवाबे चाहा था यहाँ के लोग ये बुलाए के हुआ जैसे या बिना अनुमति के जौन है तो यह कराए नहीं या सभा न हो चाहिए यहाँ। ऐसे मंदसौर में ऐसे ही रहा, वहाँ किसानन के साथ गोली बरसाई गई हैं, कितने किसान मरे हैं, कितने ऐसे यहाँ चाहते कि यहाँ के किसान मरें हैं। यहाँ के पटवारी तहसीलदार जौन आवाज हैं सब जमीन हमारे जौन है 3-4 एकड़ जमीन हड़प ली नहीं ऐसे कर करके फर्जी दस्तखत बनाए बनाए के मान ले। तो हमको जो है इसके बारे में, हम तो हमारी ड्यूटी लगी है ट्रेनिंग में ईवीएम मशीन ले जाने, हमको तो अभी आज शाम को इनका आवेदन मिला है, पत्र मिला है कि हमको कोई नहीं मिला, कब अनुमति किसके सहमत से दी गई हमको नहीं जानकारी। जो अपने एसडीएम साहब हैं आरओ हैं द्विवेदी जी, उनके पास गई के लिए, आरओ तो वही अनुमति देते हैं, हमारे यहाँ से जाती नहीं। तो अब जाँच में रिपोर्ट मिलता तो हम लोग देते, उन्होंने अपने सहमत बनवा के दिए हमें कोई आवेदन।